आज की वीडियो में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है जो आपको ये नंबर दिया है इसका आपको क्यूब रूट बताना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि प्राइम फैक्टर निकालने हैं. ठीक है, एकदम सही आता है आपके दिमाग में. तो इस नंबर के आपको क्या निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे. ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे इन प्राइम फैक्टर्स से. तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16. अब देखिए, यहाँ एक साथ यहाँ पे दो डिजिट लेते हैं तो क्या आता है, इससे पहले 0 लग जाएगा, अब एक साथ दो डिजिट ले सकते हैं. ठीक है, 2 8 16, 2 4 8, ओके, 2 3 6, 2 9 18, 0 ऐसे रहे, और 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, 2 2 4, ओके, 2 1 2. अब देखिए, फिर से एक साथ दो डिजिट लेने वाले हम, 1 9, क्योंकि एक तो अगर आप ले एक लोगे तो एक तो बहुत छोटा है ना एक से, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते. तो एक साथ आपको दो डिजिट लेनी ही पड़ेंगी. उससे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 0 लिखना पड़ेगा, अब आप ले सकते हो 2 9 18. ठीक है, 2 7 14 एंड 2 6 12, ओके ना, 2 7 14 आया, फिर एक इधर बचा था कैरी गया तो 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16 एंड 2 8 16, अगेन 2 2 4, 2 7 14, 2 4 4, ओके, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14 एंड 2 2 4, 2 6 12. कुछ बच्चे कह रहे होंगे अभी तो एक साथ दो डिजिट लिए, अगर आप पहला नंबर ले रहे हो पहली बार में, अगर दो नंबर एक साथ ले रहे हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना शुरुआत में ही आ रहे दो नंबर, तो यहाँ पे आपको 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर यहाँ पे 0 भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना. एक के बाद अगर 0 लगता है तो 10 बनता है, एक से पहले अगर 0 लगा तो वो एक ही रहता है, सेम चीज़ यहाँ पर है. ठीक है, तो फिर 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6. अब देखिए, 3 4 3 ये किससे जाएगा, 3 के टेबल से जा सकता है, 3 1 3 करेंगे तो 3 1 3 इधर 13, तो 3 के टेबल में आता नहीं है. ठीक है, और ये किससे जा सकता है, 5 में तो 5 से ही आते, 5 या 0 होता है वंस पे, 6 में तो नहीं होगा, 7 में देखते हैं, 7 अगर करें, 7 4 28, 28 इधर कितना बचा, 4 एंड 2 6, 63, 7 9 63, ओके, तो 7 से ये जाता हुआ दिख रहा है मुझे. तो क्या कहा था, 7 4 28, ओके, फिर 63 आ जाएगा इधर, तो 7 9 63, 7 7 49 एंड 7. ठीक है, ये तो हुई इसके प्राइम फैक्टर्स की बात. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसका क्यूब रूट निकालने के लिए इन प्राइम फैक्टर से. ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपने स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने क्या किया था, कि वहाँ पर आपके दो दो नंबर के पेयर बन गए थे, लाइक ये एक दो है ना, दो नंबर के पेयर बनाते गए थे, और पेयर बन जाते हैं अगर परफेक्ट, अगर आपके पेयर बन गए, मतलब मान लो कि यहाँ पे ये जो आपकी ये जितने भी नंबर लिखे ना, हर हर एक पेयर में दो दो नंबर बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं. ठीक है, एक पेयर में दो नंबर है, तो इसका मतलब है ये नंबर जो होता है आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट भी इजीली निकल आएगा. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इस नंबर को तीन तीन नंबर के सेट में रखते हैं, मतलब एक एक सेट में तीन नंबर होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे सेट बराबर आ रहे हैं. ठीक है, चार सेट बने, चारों सेट में तीन तीन नंबर है, अगर किसी भी सेट में एक भी नंबर कम होता ना, तो ये नंबर आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता, और इसका आप क्यूब रूट नहीं निकाल सकते थे. लेकिन यहाँ पे बराबर सेट बने हैं, जिस तरह से स्क्वायर रूट में
परफेक्ट पेयर बनते थे। इसी तरह से यहाँ पे क्यूब रूट के लिए यहाँ पे परफेक्ट एक 3 नंबर के सेट बने हैं, ठीक है। तो हर सेट बराबर है, हर सेट में 3 नंबर है, ठीक है। तो इसको मैं ये कहूँ कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया जाए और ये रिजल्ट आ जाए, तो ये कहना कि मेरा गलत होगा, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और ये रिजल्ट भी आ जाए। इनको लिखने का तरीका बदल जाएगा बस, कैसे, बार बार इंटू इंटू करने से अच्छा कि एक सेट है तो एक सेट में 3 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 क्यूब कर लो, फिर इसी तरह से दूसरे सेट को भी, फिर आगे वाले सेट को भी, फिर आखिरी सेट को भी, है ना। इज इक्वल टू 1756 16, यही तो आएगा। और इसको और अच्छे से लिखने का तरीका ये कर लेते हैं, इसको होल क्यूब कर लेते हैं, एक साथ ही क्यूब चढ़ गया सबके ऊपर, है ना, ठीक है। अब ये क्यूब शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या होता है, पावर हाफ हो जाती है, मतलब 1/2 में हो जाएगी जो भी है, ठीक है। 1/3, 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12 एंड 12 7 ज़, ठीक है। तो 7 का टेबल भी अगर 10 बार पढ़ लो, 77 84, ओके। और इसको क्या लिख सकते हो, इस 1/3 को, क्यूब रूट, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 84, जो आपका ये दिया गया नंबर है 1756 16 का क्यूब रूट कितना आएगा, 84। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।